नमस्कार, मैं हूं धनश्री के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरसुलागंज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नरसुलागंज के सिविल अस्पताल के हाल बद से बदतर है। बिल्डिंग तो बराबर बनती जा रही है लेकिन स्टाफ की कमी से जूझ रहा है सिविल अस्पताल। वार्ड बॉय गेट पर मौजूद नहीं रहते और मरीज को परिजन खुद अस्पताल ले जाते हैं। स्ट्रेचर टूटे पड़े, बॉटल स्टैंड नहीं है, एक पलंग पर दो दो मरीज लेटे हैं। अस्पताल में गंदगी इतनी है कि मुंह से कपड़ा बांधकर घूमना पड़ता है। नरसुलागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। सर, अस्पताल में मरीजों की इतनी भीड़ हो रही है, एक पलंग पे दो दो मरीज लेटे हुए हैं। चूंकि ये समय जो है अपना जो है वो उल्टी दस्त का सीजन है और उल्टी दस्त में जो है हर व्यक्ति जब ज्यादा दस्त उल्टी हो जाते हैं तो उनको बोतल लगाने की आवश्यकता पड़ती है और हमारे अस्पताल में जितने बेड हैं वो पूरे लगभग सभी पूरे भरे हुए हैं और ऐसी स्थिति में कई बार गंभीर अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसको एडजस्ट करते हुए एक पलंग पे तो हमें दो लेटाने पड़ते हैं। सर, दूसरे वार्ड में जगह नहीं है क्या? वार्ड में जो वार्ड जनरल वार्ड है वो दो हैं, वो दोनों फुल फिलअप हैं और ऊपर जो है वो एक ICU वार्ड है जो कि पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं हुआ। जैसे वो तैयार होगा तो उनमें भी हम शिफ्ट करने लगे। सर, अस्पताल में गंदगी बहुत दिख रही, बदबू आ रही है। गंदगी के लिए बिल्कुल जो है हमारे यहाँ जो है पहले जो है 9 और 2 11 कर्मचारी काम करते थे। चूंकि ये 50 बिस्तर अस्पताल और एक ये प्राइवेट ठेका दे दिया गया एजेंसी को तो उनके द्वारा जो है वो 3 कर्मचारी रखे हैं और वो कर्मचारी जितना अपने तरफ से बन सकता है वो अच्छा करते हैं और जो भी कमी पाई जाएगी उसको भी दूर किया जाए। सर, स्ट्रेचर भी टूटे पड़े देखने में आया। स्ट्रेचर जो है वो उसके लिए भी हमने आगे इंडियन कर दिया है और स्ट्रेचर जो है जल्द से जल्द अगर ऊपर जब भी अप्रैल फर्स्ट वीक में अगर हमें ये बताया गया है कि स्ट्रेचर की जो है ऊपर से जो परचेसिंग होगी तो उसका स्ट्रेचर भी आ जाएगा। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।